आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पति पत्नी झगड़े में हुए लहूलुहान पति को गंभीर स्थिति में करवाया जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती, वहीं पत्नी को दिया गया प्राथमिक उपचार। आज आदर्श नगर थाना क्षेत्र के माखुपुरा में रहने वाले पति पत्नी गोपाल और सुनीता के बीच आपसी मामले को लेकर झगड़ा हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मौके की सूचना पाकर पुलिस वहां पर पहुंची तो देखा कि सुनीता के सर पर चोट है तो पति गोपाल की गर्दन पर कटने का घाव है, जिसके बाद उसे गंभीर स्थिति में जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहुंचाया गया जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं आदर्श नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तकरीबन 2-1 बजे दोपहर में 2 बजे थाने पर इतला आई थी कि झगड़े की सूचना मिली थी, जिस पर मौके पे गए तो वहाँ गोपाल और उनकी वाइफ सुनीता दोनों आपस में झगड़ा कर दोनों ने झगड़ा किया था। वाइफ के सर पे चोट है जो कि वो बता रही है कि पति ने कुल्हाड़ी से मारा है और पति के गर्दन में कटाव है। बोलने की स्थिति में नहीं, सीरियस कंडीशन है मैं, बाकी जाँच जारी है। अभी जैसी रिपोर्ट आएगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। पति पहले तो ये यूटिलिटी चलाता था, काफ़ी टाइम से अभी कोई काम नहीं कर रहा है, बीमार होना बता रहे हैं। बाकी जांच में जो आएगा सामने उस तरह की कार्रवाई अमल में ली जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ में पत्नी ने क्या बताया सर, क्या झगड़ा था इनमें और आज की जो घटनाक्रम है वो कैसे हुआ? झगड़े के बारे में तो कुछ नहीं बताया, पत्नी तो ये बता रही है कि मैं घर पे थी, पति आया और एकदम से मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद का उसको अभी कुछ पता नहीं। कहाँ के रहने वाले सर? ये माखोपुरा के रहने वाले हैं। ठीक।